अगर आप पुराने दर्द से परेशान हैं, अगर आप बड़े अस्पतालों में इलाज करवाकर लाखों रुपए बिल देकर थक चुके हैं लेकिन फिर भी आराम नहीं आ रहा, तो एक बार विजिट जरूर करें एडवांस हेल्थ केयर में। ट्रीटमेंट बाय कोरियन एंड एक्यूपॉइंट थेरेपी, केवल 15 मिनट की थेरेपी से तुरंत दर्द से छुटकारा पाएं। गर्दन का दर्द, सर्वाइकल, सीआरटी का व कमर दर्द, घुटनों का दर्द, माइग्रेन, सिर का दर्द, पुरानी गैस कब से छुटकारा पाएं, पुराने से पुराने दर्द का इलाज भी है, पहले दिन से आराम आना शुरू। हमारा पता है हाउस नंबर 9, गौशाला मंडी, गौशाला मंदिर के साथ गुहाना मोड़, जीटी रोड, पानीपत। मोबाइल नंबर 8168310885। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। मैं हूं आपके साथ आशु पांचाली। लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पानीपत के लघु सचिवालय से। आपको बता दें कि सैकड़ों किसान जो है यहां पर आज पहुंचे हैं। डीसी को जो है ज्ञापन दिया जाएगा राष्ट्रीय पति के नाम। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। खबर को जो है ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। काले कानून, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, काले कानून, काले कानून, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। किसान जो है यहाँ पर आज पहुंचे हैं लघु सचिवालय में। डीसी को जो है राष्ट्रपति के नाम जो है ज्ञापन दिया जाएगा। खबर को जो है ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। किसान संयुक्त मोर्चा जो है यहाँ पर पहुंचे हैं जिला पानीपत। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से। किसानों को रिएक्ट करो, रिएक्ट करो, रिएक्ट करो, किसानों का दमन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी सरकार की तानाशाही मुर्दाबाद, 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 किसान आंदोलन जिंदाबाद, 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 काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 किसानों का दमन करने वाली मोदी भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 किसान मजदूरों का दमन करने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से। आपको बता दें कि किसान आज यहां पर पहुंचे हैं। पानीपत डीसी को ज्ञापन दिया जाएगा राष्ट्रपति महोदय के नाम। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। खबर को है जो है ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। किसानों पर बनाए गए झूठे मुकदमे वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, किसान मजदूरों की एकता जिंदाबाद, 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 किसान मजदूरों की एकता जिंदाबाद, 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 किसान मजदूरों की एकता जिंदाबाद, 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 किसानों पर दमन करने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 रुक जाओ भाई, किसान मजदूरों पर अत्याचार करने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 किसानों पे बढ़ाए गए झूठे मुकदमे वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, जेल में बंद किसानों को रिएक्ट करो, रिएक्ट करो, रिएक्ट करो, जेल में बंद किसानों के संयुक्त किसान मोर्चा पानीपत द्वारा जो है प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है। आपको बता दें कि जो किसान जेलों में बंद है उनको जो है छुड़वाने के लिए इनके नारे जो है यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। खबर को जो है ज्यादा से ज्यादा शुरू किया। किसान आंदोलन की मांगों को पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, किसान आंदोलन की मांगों को पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, मोदी सरकार मुर्दाबाद, एक ले ले। जो हमारे किसान पुलिस परेशान कर रही किसान लोगों ने तो वो उनके लिए हम जी साहब के ज्ञापन दे रहे हैं राष्ट्रपति के नाम। संयुक्त किसान मोर्चा प्रधान जी हैं हमारे, सुनील दत्त जी हैं, वो जितने हमारे ब्लॉक प्रधान है सारे, वो जितने आए हुए सारे संयुक्त मोर्चा किसान सब जी साहब को ज्ञापन देंगे। किस बारे में ज्ञापन दिया? ये अभी बता रहे हैं आपको, ये पूरे देश के अंदर बता देंगे सारा। पूरे पढ़ के आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं।
पानीपत डीसी के जो है नाम यहाँ पर राष्ट्रपति के मुद्दे के नाम जो ज्ञापन दिया जा रहा है, खबर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। पहले तो सिरे देख रहे हैं पीछे आ जाओ एक बार तो हमारे बीच में किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 किसानों पर दमन करने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रखो बैनर को भाई, खोल के रखो बैनर, बैनर से नीचे ले लो, नीचे ले लो, साथियों ये आज जो है पूरे देश के अंदर भाई आईडी पीछे कर लिए थोड़ी सी, एक मिनट दे दे बस, आईडी पीछे कर लिए भाई, आईडी पीछे कर लिए, एक फोटो करवा लो बस फिर आप कर लो, चलो एक बार फोटो ले लें दो फिर बोलो मैं थोड़े है पीछे लो जी। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसानों पर दमन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसानों पे दर्ज झूठे मुकदमे वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। किसानों पे दर्ज झूठे मुकदमे वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। आज एक मिनट इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जो मीडिया किसानों पर झूठे मुकदमे दर्ज वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। किसानों पे दर्ज झूठे मुकदमे वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। मोदी सरकार पे लाइव तस्वीर देख रहे हैं लघु सचिवालय से। आपको बता दें कि किसान जो है आज यहां पर पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर। राष्ट्रपति को जो है एक ज्ञापन सौंपा गया है जाते हुए। ये आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पूरे देश के अंदर दमन विरोधी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि जब से पंजाब से किसान इन काले कानूनों के खिलाफ चले तब से ही किसानों के आंदोलन पे ये दमन शुरू हो गया और आज तक भी वो दमन जारी है। तो उसको लेके आज मजदूर किसान मिलके जो संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में पूरे देश में उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति महामहिम को लिखित ज्ञापन पत्र सौंप रहे हैं, उसमें मुख्य जो मांग है छह हमारी मांगे हैं। सबसे पहली जो मांग है कि जेल में बंद जितने भी निर्दोष व्यक्ति हैं और जिन पे उनको तुरंत बिना शर्त दिया किया जाए, जेल में बंद जितने भी निर्दोष व्यक्ति हैं उनको बिना शर्त तुरंत रिहा किया जाए। दूसरी मांग है किसानों के समर्थन में जिन्होंने भी आवाज़ उठाई उनको भी देशद्रोह के मुकदमे दर्ज करके, लेखक हैं, पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, पर्यावरणविद हैं, डॉक्टर हैं, अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, पता नहीं कितने लोगों के खिलाफ इन्होंने मीडियाकर्मी आगे उसमें सभी कितनों के खिलाफ मुकदमे इन्होंने झूठे दर्ज किए हैं, उन सब को रिहा किया जाए। बिना शर्त उन पे झूठे मुकदमे जो दर्ज किए हैं वो रद्द होने चाहिए। तीसरा है दिल्ली पुलिस द्वारा जो किसानों पे और एनआईए द्वारा और जितनी भी पुलिस कार्रवाइयां किसानों पर आज तक हजारों की संख्या में जो नोटिस मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनको डराने धमकाने के लिए जो ये हथियार अपना रही है, दमन का तरीका अपना रही है, ये तुरंत वापिस हो, ये मांग है, इसको तुरंत रोका जाए जो तानाशाही का जो ये रवैया सरकार अपना रही है। चौथी मांग है जो सीमाओं पर किसानों को कह रहे हैं, पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं, ये किसान रास्ता रोके बैठे हैं। किसान शुरू से ही ये कह रहे हैं हमने रास्ता नहीं रोका,
जब पंजाब से किसान चले फिर हरियाणा में आए और घुसे, अब पूरे देश का किसान जो दिल्ली की चारों सीमाओं की तरफ है उन्होंने रास्ते नहीं रोके। ये रास्ते शुरू से ही सरकार ने सड़कें खोदी, किले गाड़ी, जो भी रुकावट पैदा की, इतिहास में पहली बार सरकार उल्टे काम कर रही है, कानून को तोड़ रही है, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान कर रही है। तो हमारी चौथी मांग इससे संबंधित है कि दिल्ली के चारों ओर जो किसान धरना दे रहे हैं लंबे समय से अपनी मांगों को लेके, और उनके नाम पे जो दिल्ली के चारों तरफ जो पुलिस ने नाकेबंदी कर रखी है, रास्ते रोक रखे हैं, उन रास्तों को खोला जाए, ये मांग है। पांचवी मांग है कि 26 जनवरी की परेड या उसके बाद, अब तक इस किसान आंदोलन में जितने भी आंदोलनकारियों के पुलिस ने वाहन जब्त किए हैं वो तुरंत उनके ओनर्स को दिए जाएं। और छठी मांग है किसान आंदोलन की जो मांगे हैं उसकी, जो मांगे सरकार से लड़ रहे हैं उनको तुरंत पूरा किया जाए। ये छह मांगों को लेके राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन है और ये संघर्ष जारी रहेगा। और 26 जो आने वाली 26 फरवरी को पूरे देश के अंदर किसान युवा दिवस मनाया जाएगा और 27 फरवरी को किसान मजदूर एकता दिवस मनाया जाएगा और 28 तारीख को फिर संयुक्त मोर्चा की बैठक होके अगली संघर्ष की रणनीति बनाई जाएगी। और ये निर्णय है कि या तो हम ये आंदोलन को जीत के जाएंगे या मर के जाएंगे, ये आह्वान है, उठेंगे नहीं, चाहे वो 2 साल लगो, 4 साल लगो, 2024 तक मोदी जी आपका टाइम है, 2024 तक भी हम बैठेंगे जब तक आपका समय, उसके बाद जैसे आपने हमारे ऊपर दमन किया है, हम शांति और अहिंसा के रास्ते पर लड़ रहे हैं, हम ऐसे ही तरह लड़ते हुए 2024 के बाद जैसे आपने नोटबंदी करके देश के उद्योग को, खेती को चौपट किया था, देश की गरीब जनता को मारा था, हम आपकी नोटबंदी करके आपका भी ताला भेड़ेंगे, ये किसानों ने निर्णय ले लिया। को बता दें कि आज ये लघु सचिवालय पानीपत में पहुंचे थे, वहाँ पर वो बोलते हैं कि भाई दोबारा दिल्ली कूच की हम तैयारी करेंगे, यानी संसद घेराव की करने की कोई ऐसा वो है विचार? कुछ नहीं, सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने टिकरी बॉर्डर पे कुछ नोटिस लगा दिए थे, चिपका दिए थे भाई ये इसको जो टिकरी बॉर्डर है इसको खाली किया जाए। तो राकेश टिकैत जी ने ये कहा भाई जब शांति प्रिय आंदोलन है, शांति प्रिय आंदोलन करना हमारा अधिकार है, तो फिर दिल्ली पुलिस ने बयान दिया है ये एक रूटीन का कार्य है, उसमें कोई टाइम पीरियड नहीं रखा गया है, इसके लिए उन्होंने ये कॉल दे दी भाई अगर जरूरत पड़ी आमे उठाने की तैयारी करोगे तो 40 लाख ट्रैक्टर लेकर हम दिल्ली कूच करेंगे। सर तो कई किसानों ने अपने फसल नष्ट की है, राकेश टिकैत जी ने सिर्फ आह्वान किया था तो उन्होंने अपने फसल नष्ट किए, तो उनको क्या कहना है आपको? मतलब हम दोबारा आज पानीपत जिले में भी इसराणा गांव में नरेश कुमार है, उन्होंने अपनी 4.5 एकड़ फसल जो गेहूं की है वो बाद ही, तो आम किसानों से अनुरोध करते हैं, हमारा गुस्सा जायज है और किसान गुस्से में इसलिए 3 महीने हो गए, सरकार की नीति और नीति में सब में फर्क आ रहा है, तो किसान के गुस्से के कारण इस प्रकार के एक्शन ले रहा है। मैं किसानों से अनुरोध करता हूं हम अपनी उपज को ऐसे ना खराब करें, अपनी उपज को बेचने की टाल करेंगे, हम अपने घर रख लेंगे, गौशाला में दान दे देंगे, पर इस प्रकार के कार्य ना करें क्योंकि हमारी फसल है, 6 महीने की बात है, अपमान, अन्न का अपमान ना करें और उसको अपने घर रखें। हम बेचने की मना कर दिया सबको, ना देंगे हम आपकी बार मंडी में बेचना बंद कर देंगे, दूसरी बात जो बचेगा हम गौशाला में दान दे देंगे, पर इस प्रकार के एक्शन ना लें। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप भावना में आकर, संयुक्त मोर्चे का कोई आह्वान नहीं है, वो था वो विजय, अगर सरकार दबाव और दमन इसी प्रकार से रखती है तो इस प्रकार के कदम उठाए जा सकते हैं, वो क्या है, हाँ वो उदाहरण था। अभी सरकार जब बात नहीं करी और दोबारा क्या अब भी 1700 बताए हैं, 1700 के आसपास सरकार नोटिस बना रही है, जो कुछ किसानों तो रास्ता खुला मिला, जो पहले चले गए लाल किले में, उसके बाद ट्रैक्टर भी चले गए, बाइक भी चले गए, वो बाइक का नंबर लेते हैं और नोटिस तैयार कर रखे हैं, तो वो तो सेल्फी ली है, उनके हाथ में झंडा है उसका तिरंगे का, ना वो उस पर पूर्ज पर चढ़े, इस प्रकार के नोटिस गलत देना है। तो हम तो ये चाहते हैं लोकतंत्र की हर दिन एक प्रकार से कहते गरिमा गिरती जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से कल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कहीं ना कहीं वर्ल्ड में
अगर इतना बड़ा लोकतंत्र है भारत, तो उसकी बेइज्जती भी कहीं हो रही है जब सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार की गाइडलाइन देता है। भाई किसी पार्टी के खिलाफ बोलना कोई देशद्रोह नहीं है, और इस प्रकार के रिलीफ सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, तो इस प्रकार से क्या है, देश की गरिमा और देश के संविधान और लोकतंत्र पर उंगली उठती है। सरकार इस प्रकार के कार्य ना करे। दवेश में जिस प्रकार से नोटिस तैयार किए दमन के लिए, इन्होंने किसानों परेशान करने के लिए या पत्रकार को दबाने के लिए पत्रकार को भी अरेस्ट किया, तो इस प्रकार के कार्य से देश की छवि खराब हो रही है। सर, जिस प्रकार आपने तिरंगे की बात करी है, 26 जनवरी को एक स्लोगन चला गया था, हाँ, तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, उस बात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहते हैं भाई, देश का हर नागरिक हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के ध्वज का सम्मान करता है, सम्मान करता रहेगा। और जो किसान परिवार से सबसे ज्यादा शहीद होते हैं, शहीद का जो भी पार्थिव शरीर आता है वो तिरंगे में लिपट कर आता है। हम इस चीज को मानते हैं भाई, किसान तो सदा से देशभक्त रहा है और देशभक्त रहेगा। सर, जो कानून इतना लंबा चल रहा है, अभी जो 3 कानून लाए गए हैं, हाँ जी, जो कानून लाए गए हैं उसको लेकर सागर, ऐसा क्या रीजन है उसको काले कानून को वापस नहीं ले रहे? इतना लंबा टाइम हो चुका है, 4-5 महीने चल चुके हैं आंदोलन को, ऐसा क्या रीजन है जो सरकार इस काले 2019 में मनमोहन का ट्वीट आया था भाई, आपके पास विदेशी कोई इन्वेस्टर किस प्रकार से आएगा, आपके पास गारंटी के लिए कुछ नहीं, आपने सोना पहले रख दिया, रिजर्व में जो पैसा था वो नहीं रहा, रिजर्व नाम था ना बैंक का, उसके पास रिजर्व के नाम की कोई चीज नहीं है, तो आपके पास इन्वेस्टर कहाँ से है, आपके पास गारंटी नहीं देने के लिए। सरकार ये तो कहती ना हमारे पास कुछ नहीं बचा, इसी प्रकार से जनता को जिस प्रकार से 53 रुपये टैक्स लगा के पेट्रोल डीजल पे रुलाया जा रहा है जनता को, चाहे गैस को, तो सरकार के पास रिलीफ को देने के लिए तो कुछ है नहीं, और ऐसे गुमराह कर रही है, इसीलिए लंबा चला रही है, लंबा चला के सोच रही है किसान थक जाएंगे, थक के ये आंदोलन टूट जाएगा, इससे क्या जन आंदोलन बनता जा रहा है, क्योंकि कोरोना की मार किसानों के साथ आम जनता ने भी झेली है, उनके रोजगार भी गए, धंधे भी गए, उनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं रहा, और उन ऊपर से दोहरी मार, चाहे वो रसोई की हो चाहे पेट्रोल डीजल की हो, सब हर आदमी को दुखी आहत करने वाली चीज़ें हैं। आप हम तो सरकार से दोबारा फिर यही कहते हैं भाई, जो टैक्स में है भाई, सरकार की जो वेट है स्टेट गवर्नमेंट का उस पे, और जो एक्साइज ड्यूटियाँ वो कम करके सरकार आम आदमी को राहत देने का कार्य करे, ताकि ये जो कोरोना से जो आहत होके और हमारे धंधे छीने हैं, बेरोजगार हुए हैं, तो ये पटड़ी पर आए और जीडीपी भी ऊपर बढ़े, देश का काम सर आगे बढ़े। मीडिया कहती है कि 93 किसान रह गए वहाँ पर, तो इस पे क्या कहना है? चलो वो तो इनका मानना है, जो उनका काम है अपने आकाओं की चमची मारना है, आकाओं का उनको पता है, जी न्यूज का जो मालिक है सुभाष चंद्रा जी, आपको पता कुछ लेके निकल गया वो देश से, अगर वो इसके खिलाफ बोलेंगे तो आपको पता उसके मालिक को कहाँ ले आके कहाँ रखा जाएगा, इस प्रकार के चैनल चलेंगे फिर, तो वो तो उनका काम है, वो करेंगे। सब मीडिया बुरी नहीं है, सब अच्छी नहीं है, कुछ अच्छी मीडिया जिसके कारण आंदोलन आज भी सफल है और चल रहा है और अच्छाई और सच्चाई दिखाते हैं। धन्यवाद। आपका शुभ नाम सर? आप देख पा रहे हैं कि ये लाइव तस्वीरें हम आपको लघु सचिवालय से दिखा रहे थे, किसान मोर्चा पानीपत जो है उन्होंने यहाँ पर डीसी के नाम जो है ज्ञापन दिया, और कई बातें जो है उन्हें अपनी बताई है किसानों की मांगों के लेकर। खबर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें, और ऐसे ही बने रहे वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। शहर के रहे गतिविधि से आपको उतरते रहेंगे। नमस्कार।